लाहौर में एन ए 133 ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया, वोटिंग जारी, शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नून लीग के शाइस्ता परवेज मलिक मजबूत उम्मीदवार, नशिस्त लीगी रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। जहलम जीटी रोड दीना में कोस्टर पुल से नीचे जा गिरी, 3 मुसाफिर जां बहक, 25 जख्मी, 4 जख्मियों की हालत नाजुक। कोच लाहौर से मरी जा रही थी, रेलवे ट्रैक पर बने पुल से नीचे जा गिरी। मुल्क में कोरोना ने मजीद 6 अफराद की जान ले ली, तादाद 28,776 हो गई, 372 मस्बत केसेस रिपोर्ट, मस्बत केसेस की शरह 0.82% रही। सानहा सियालकोट में मुलव्वस 13 दरिंदों के नाम और चेहरे बेनकाब, अब तक 120 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से मजीद अफराद की शनाख्त जारी, मुकदमा दर्ज, 900 नामालूम अफराद का नाम शामिल, श्रीलंकन शहरी की लाश लाहौर पहुंचा दी गई। सानहा सियालकोट में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के श्रीलंकन सदर को यकीन दहानी, कहा वाकई में मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान ने श्रीलंकन सदर को 2 मुलजिमान की गिरफ्तारियों से मुतालिक भी आगाह किया। ढाका टेस्ट बारिश के बायस ग्राउंड में कमी, कम रोशनी, पाकिस्तान का पहली इनिंग तखिर का शिकार, अब तक 2 विकेटों पर 161 रन बना लिए, बाबर आजम 60 और अजहर अली 36 रन के साथ नॉट आउट। हर तरफ सिंधी सकाफत के रंग, मुल्क भर में आज सिंध कल्चरल डे मनाया जाएगा, शहरी टोपी और अजरक पहनकर अपनी सकाफत से मोहब्बत का इजहार करेंगे। और मुल्क भर में मौसम ने ली अंगड़ाई, इजाफा, सयाहों ने मरी और ज्यारत का रुख कर लिया, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तेज आंधी और बारिश, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मियांवाली में भी बादल बरस पड़े, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मोक के बादल छट गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।